देहि में सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि में सौभाग्य मकरम देहि में परम सुखम दुखम देहि जयम देहि यशो देहि देहि में सौभाग्य मकरम देहि में परम सुखम दुखम देहि जय देहि यशो देहि दिशो जयि जय मां भवानी ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डवी च्यु ह्रीं ह्रीं 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 जय बगलामुखी माँ, जय माँ भवानी जगदम्बा मातेश्वरी। देखा माई का जलवा, कैसी आहुतियाँ ले रही है भाई। दोस्तों देवी के बारे में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर देवी सेवा आप इसलिए कर रहे हैं कि कोई चीज़ पाना चाहते हैं, कोई चीज़ लेना चाहते हैं, कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, कोई काम ना आए, तो उसको आप संकल्प रूप में करेंगे, फिर संकल्प लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर वैसे ही करना कर रहे हैं आप, तो उसमें संकल्प नहीं लेना पड़ेगा आपको, बिना संकल्प के कर सकते हैं। तंत्र क्रिया के रूप में कर रहे हैं तो वो चंडी बन जाएगी, खतरनाक बन जाएगी, चामुंडा बन जाएगी, उग्र शक्ति बन जाएगी। और अगर हम माँ के रूप में पूज रहे हैं, कोई भी शक्ति हो भयंकर से भयंकर, तो वो कभी भी मतलब चामुंडा बन के नहीं आएगी, चंडी बन के नहीं आएगी, उग्र बन के नहीं आएगी, वो पार्वती बन के आएगी, वो सवित सरस्वती बन के आएगी। तो इन चंद चीज़ों को समझ लीजिए, तंत्र में यही मूल भेद होते हैं। अगर आप किसी को बंधन में बांध के पूजना चाहेंगे, बंधन में बांध के ऐसे कुछ कामना रखिए आपने कामना के लिए, फिर पूर्ण विधान लेके चला जाएगा, गुरु कृपा लेके चली जाएगी, तब जाकर के वो आपको उसका फल दिखेगा। मैं अभी पहले मंत्र बोला था, रूपम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि वाला, ठीक है। देही में सौ सौभाग्य मार्गम देही में परम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जय। तो अच्छा मंत्र है, कोई भी जाप कर सकता है। माँ के बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिसे कोई भी जाप कर सकता है, जैसे शक्ति प्राप्त करनी हो, शरीर दुर्बल हो गया हो, शत्रु हावी हो रहा हो, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते तनात्मी गुणास्तय गुण मय नारायण नमस्त, अति उत्तम मंत्र है। माँ की कृपा प्राप्त करनी है, निश्चल भाव से करना है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संतता नमस्तस्य 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 नमः। तो सब घर में प्रकार हर प्रकार का मंगल चाहिए, घर में हर प्रकार की अच्छाई चाहिए, घर में हर प्रकार का अच्छा होना चाहिए। शिव को शामिल कर लीजिए शक्ति के साथ मंत्र में, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाथ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, बहुत उत्तम अति उत्तम मंत्र। आपकी भावना के हिसाब से काम करते हैं, ना कि मंत्र की खुद की नैसर्गिक शक्ति काम करती है, मंत्र अपनी भावना के हिसाब से जागते हैं। मन का मजबूत आदमी उसी मंत्र को केवल एक माला में जगा सकता है, जिसको मन का कच्चा आदमी 100 माला में भी नहीं जगा सकता है। ये तंत्र और मंत्र का एक फैक्ट है। मुझसे जुड़े हुए साधकों को, अपने शिष्यों को मैं यही बताता हूँ कि पहले अपने विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए। मैं कभी भी किसी को एक दिन की दो दिन की साधना नहीं बताता, प्रयोग बताता हूँ। जो छोटे होते हैं वो प्रयोग होते हैं, बड़ी होती है वो साधना होती है।
साधना में कहता हूँ 11, 21, 51, 31, 108, 90, 110, 151, इतने दिनों की साधना करनी चाहिए। वो इन चीज़ों को समझाने के लिए यूट्यूब का माध्यम ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये माध्यम बड़ा इसलिए नहीं है कि इसमें कितनी लंबी वीडियो डालोगे आप, 1 घंटे का डाल सकते हो, उसमें भी ये चीज़ें बारीकी से नहीं समझाई जा सकती हैं। और फालतू में जिसके काम ना आए वो ज्ञान भी उनको भी देना बेकार है। इसके लिए हमेशा आदमी को जो ज्ञान लेना होता है वो सामने बैठ के लेना होता है या पर्सनली लेना होता है गुरु से। जैसे कि आप अगर स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में आपके टीचर नहीं है, स्कूल रोज जाइए, बैठ करके अपने हिसाब से अपने मन से पढ़ के आ जाइए, आप टीचर नहीं है तो कभी भी आप एजुकेशन की जो मेन पॉइंट हैं उसको नहीं पकड़ पाएंगे, उसको गेन नहीं कर पाएंगे, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो चीज़ मालूम तो आपको सब कुछ है, लेकिन जो उसके गट्स हैं, उसके हिंट हैं, और जो टीचर को मालूम है कि एग्ज़ाम में ये पॉइंट आ सकते हैं, एग्ज़ाम में ये चैप्टर आ सकता है, वो आपको नहीं मालूम है। तो पढ़ाई आप भरपूर कर लीजिए, पूरी किताब को माइंड कर लीजिए, लेकिन जब तक स्पेशल सब्जेक्ट पे फोकस नहीं होगा तब तक उस चीज़ को आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, उसको गेन नहीं कर पाएंगे, उसको टैकल नहीं कर पाएंगे, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टीचर का होना ज़रूरी है। ये हुआ एजुकेशनल फील्ड का। अब इधर स्पिरिचुअल फील्ड का जो अध्यात्म की तरफ है उसमें गुरु का होना ज़रूरी है। मुझे सैकड़ों लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरु जी इस मंत्र को हम बिना गुरु के कर लें। देखिए सौम्य मंत्र होता है तो मैं अपने आप आज्ञा दे देता हूँ, कोई टेंशन नहीं किसी की, आप अपने आप करिए। बड़े बड़े गुरुओं से जुड़े हुए लोग भी मेरे शिष्य बन रहे हैं अब, जो शायद टॉप लेवल के वर्ड जानता है जिनको अध्यात्म के हिसाब से, उनकी बातें लाखों रुपए की होती हैं, उनके शिष्य भी मुझसे गुरु दीक्षा ले रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनको भी मैं कई ऐसी जानकारी देता हूँ जो वहाँ पर उनको नहीं मिलती है, क्योंकि ये ज्ञान है इसका दायरा सीमित नहीं है, असीमित है। हमको ज़िंदगी भर सीखते चले जाना है, कभी ये सोच करके नहीं बैठना है कि आई एम परफेक्ट या आई एम पूरा, मैं पूरा हो गया, कभी नहीं, नहीं मैं फुल नहीं हूँ, मैं अभी 10% भी नहीं सीखा, ये कहना चाहिए अभी मैं सीख रहा हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। वही तंत्र में सफल होता है। तंत्र केवल उस चीज़ का नाम नहीं है तो किसी को देवता को ले लिया आपने, उसको भेज दिया। तंत्र बहुत गूढ़ता है, तंत्र बहुत रहस्य है, तंत्र एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जाने के बाद अगर आप सही राह पे निकल गए तो आप देख लीजिए मुझे, नेगेटिव नकारात्मकता मेरे चेहरे पे आपको कभी नहीं दिखेगी, तो आप हमेशा उल्लास से भरपूर रहेंगे, आपके चेहरे पर आपकी वाइब्रेशन लोगों को आकर्षित करेगी क्योंकि वो पॉजिटिव होगी। तो चीज़ें ऐसी करिए जो आपके नहीं औरों के भी काम आ सके। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तो जी जमाने के लिए, तब जाके शक्तियाँ बढ़ती हैं। पैसे की वासना मत रखिए इस क्षेत्र में, पैसे का कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर होती है, गुरु को अपने शिष्यों को ज्ञान भी समझ के ही देना चाहिए। ये गुरु की पकड़ होती है कि वो समझ सकता है किस शिष्य को किस लेवल का किस क्लास का ज्ञान देना है, जो गुरु को मालूम होता है तो उस हिसाब से गुरु डिसाइड करता है कि आपको ये करना चाहिए ना करना चाहिए। आपको मालूम है मेरे पास जो मैसेज आते हैं तो मैं जैसे कोई कहता है कि महाराज मैं ये कर लूँ, मैं तुरंत कह देता हूँ नहीं ये नहीं ये, और वो डिसाइड जो मैं डिसाइड करता हूँ वो सही निकलता है।
क्योंकि हमें उस व्यक्ति की एनर्जी ऊर्जा मालूम होती है कितनी है, कहाँ तक है, तो उस हिसाब से हमें उसको देना चाहिए, न कि इस हिसाब से देना चाहिए कि पैसे के लालच में सिखा दें, सबको सिखा दें। सबको नहीं सिखा सकते हो, हर कोई पायलट बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, हर कोई टीचर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ है, हर कोई कमांडो नहीं बन सकता है, हर कोई तांत्रिक नहीं बन सकता है, हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता है, हर कोई ज्योतिष नहीं बन सकता है, हर कोई राजमिस्त्री नहीं बन सकता है। जिस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में विशेषता होगी वही बनोगे आप। एक अप टू डेट ऑफिस में बैठने वाले पर्सन से आप कह दीजिए कि भाई ये चार, ये राजमिस्त्री का काम राष्ट्रमिस्त्री छोड़ के चला गया, चार ईंटें आप लगा लीजिए, वो सही तरह से चार ईंटें नहीं लगा पाएगा। जिसका काम उसी को सज। तो गुरु भी देखना चाहिए हमेशा, जिस तरह से देवता का चुनाव गुरु करता है, तो आपके लिए गुरु का चुनाव आपका भाग्य करता है, आपका प्रारब्ध करता है, आपके कर्म करते हैं, ये भी बात है। कोई मेरा फ़ोन 6 महीने से लगा रहा तो उसका नहीं लग रहा, किसी ने पहली बारी फ़ोन लगाया तो उसका लग गया, मतलब उसके भाग्य में मुझसे बात करना था। कोई ये कह रहा है कि गुरुजी मैं 3 साल से आपको कॉल करता हूँ, जब से आप फेसबुक पर हैं, तो मैंने कि मैं तुम 2014 से हूँ, तो उसमें 2015-16 से मैं कॉल करता हूँ आपको। हर व्यक्ति, हर लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी प्रत्यक्षीकरण, ये प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ चीज़ों में प्रत्यक्षीकरण ना ही हो तो बढ़िया है। कैसे? अगर आप बहुत अच्छी सेवा करने वाले हैं, बहुत गहरी सेवा की आपने भगवान की और देवता विशेष की, तो उसमें प्रत्यक्षीकरण अच्छा है। और अगर आपने उस देवता की उपासना की है, मतलब नहीं की है ज़्यादा, मान लीजिए सपोज कीजिए काल भैरव, आप इसका प्रत्यक्षीकरण चाहें और उपासना आपने नहीं की है इसकी साल भर भी, तो इनका प्रत्यक्षीकरण आपके लिए काल घातक हो जाएगा, समझ लीजिए आप, क्योंकि इतनी उग्र शक्ति है। अगर आपने उसको सही तरह से निहार लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और ये बात डराने की नहीं होती है, ये मेरे सैकड़ों साधकों का अनुभव है। ये माइंड डिसबैलेंस हो जाना, सोच विचार ख़त्म हो जाना, घंटों कुछ भी सोचते रहना, तो उनको समझाया मैंने प्रत्यक्षीकरण इस तरह सही नहीं होता है, ये होता है। चलो मित्रों, ठीक है, हम मिलते हैं। एक थोड़ा सा जानकारी मैंने आपको आज रात को बैठ करके सिद्ध कुंजिका का 11 पाठ, निवारण मंत्र की 11 माला, और एक माला निवारण मंत्र से हवन रात को 9 से लेकर 12-1 बजे तक के बीच में कर लेना, अचूक फल मिलेगा आपको, देखना। ताकता चाकू रख लिया है ना पास में, सुबह ही प्रयोग बताने वाला हूँ, या रात को आज प्रयोग बताने वाला हूँ, यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, चाकू रख लेना नया लेकर के, ठीक है। जय भवानी, जय माता रानी की।